आई गेस अगर आपको पता लग रहा होगा इसका कोट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है एंड द कोट एक्चुअली में इट शेड्स इटसेल्फ वो यू नो सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है और गर्मियों में वो काफ़ी ज़्यादा खुद ही निकल जाता है क्यों ताकि ज़्यादा गर्मी ना लगे. लुक एट द ब्यूटिफुल आइज मैन. आज के साथ काफ़ी बुरी चीज़ें होने वाली है. ये दो तीन दिनों से उल्टियाँ कर रहा है बिकॉज देयर इज़ सम इशूज़ विद हिज डाइजेशन और आप देख सकते हैं इसका फर. यू कैन सी द अमाउंट ऑफ फर इसका निकल रहा है. तो अभी फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा बाल निकल रहे हैं इसके. देयर इज आर स्पेसिमेन फॉर टुडे. इसको जहाँ भी बिठाते हैं ये एकदम से चिल करके बैठ जाता है. And here we go. मैं बहुत ज़्यादा आसानी से एक पूरा पिलो बना सकता हूँ ये लोग. और अभी पूरे अच्छी तरीके से ब्रश भी नहीं हुआ है, मुझे शाम को फिर से करना पड़ेगा. लुक एट द माउंट. सो वी आर बैक विद रंगीला नाउ. रंगीला हमारा सांप सर्प. ब्यूटिफुल सर्प. आपको बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा बट आई एम वेयरिंग अ लेदर ग्लव राइट नाउ क्योंकि बहुत तेज काटता है और मुझे पसंद नहीं है इसको जंगली सांपों की तरह पकड़ना. तो इस वजह से यू नो जस्ट फॉर बीइंग सेफ और आई हैव अनदर बॉक्स जिसमें मैं इसको रख दूंगा. अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता है, ये आता नहीं है शांति से हाथ में. ओके सो हियर ही इज. ओके ओके शांति से बेटा शांति से. आई एम रियली नर्वस नाउ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है इसको जंगली सांपों की तरह पकड़ना ये रहा, पर पकड़ना तो पड़ेगा ही. धीरे धीरे से आई एम गोना होल्ड हिम. जब भी आप किसी सांप को पकड़ते हैं यू हैव टू होल्ड हिम फ्रॉम द मिडल और ही आर स्लिपिंग. ओके 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 Look at him, man. ये मुझसे बहुत नफ़रत करता है आजकल क्योंकि मैंने बिल्कुल भी इसको अब आदत नहीं रही है इसको. ओ वो 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 और नाउ ही इज़ बाइटिंग. इसको अब आदत नहीं रही है ज़रा सी भी यू नो टॉय बनने की. तो और ओके ओके Okay, finally, he is in the box. He has grown up now. You know, look at his beautiful pattern. ऊपर नहीं जाना है बेटा. ऊपर नहीं जाना है, नहीं जाना है ऊपर. ऊपर नहीं जाना है, नीचे नीचे चलो. Good boy. इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जितने भी पेट कीपर्स थे जिनसे मैंने पूछा था उन्होंने काफ़ी लोगों ने बोला था कि यू नो कि कॉर्न स्नेक्स नहीं पल पाते हैं व्हेन दे आर वेरी यंग क्योंकि उनको केयर और उनकी डाइट बहुत अलग होती है जो कि मिलना मुश्किल होता है. तो इस वजह से आई जस्ट वॉन्ट हिम टू ग्रो. अभी मैं टेम इसको बाद में कर दूंगा. आई हैव दैट कॉन्फिडेंस
मैं बाद में फ्रेंड बन जाऊंगा इसका, पर अभी आई जस्ट वांट कि ये थोड़ा सा फिर अब जल्दी से जल्दी थोड़ा ज़्यादा साइज इंक्रीज करे ताकि इसकी मैं डाइट पूरी चेंज कर सकूं। एंड यू कैन सी मैन, ये जो होते हैं ये फैमिली से होते हैं रैट स्नेक्स की, तो ये कहीं भी, दे आर एक्सेलेंट क्लाइंबर्स ऑल्सो। ये दीवार चढ़ सकते हैं, ये पेड़ पे रह सकते हैं, दे कैन डू एनी थिंग मैन। सो जैसा कि हमने पहले भी बात की है, आई एम जस्ट गोना गिव दिस एज इन, मैं बस इसको डालने वाला हूँ इसमें। आई जस्ट हैव टू चेंज दिस क्योंकि एक नहीं दो हफ्ते आई गेस हो चुके हैं। देयर इज स्टिल इन सम वाटर, ये थोड़ा सा गंदा कर देता है इसको, तो बस हम इसको चेंज करेंगे। आई एम नॉट गोना फिल्म दैट, डोंट वरी, मैं आपको बोर नहीं करूँगा आप लोगों को। बट दिस इज क्वाइट कूल, ये काफ़ी हाइजीन मेंटेन रहता है इससे, तो इट्स गुड, इट्स एक्चुअली गुड। और हम इसको फेंक कर नया वाला डालने वाले हैं, तो आई एम जस्ट गोना डू दैट। तो दिस इज द न्यू वन, ये मैंने नया डाल दिया है, और इसकी बेडिंग अब प्रॉपर साफ हो चुकी है। इसको मैं दो हफ्ते अराउंड बाद ही वापस चेंज करने वाला हूँ। एंड हेयर इज द हाउस, और लेट द बैड गाय कम हेयर अगेन। मैं इसको भी कम से कम ही टच करूँगा, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गेट डिस्ट्रैक्टेड और ये स्ट्रेस में आ जाए, आई डोंट वॉन्ट दैट। चलो बेटा, now here he is back to his house. बस अब ये जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए, आई एम जस्ट विशिंग फॉर इट। उसके बाद इसकी डाइट भी थोड़ी ईजी हो जाएगी मेरे लिए, यू नो, और इसका नया इंक्लोजर है वो भी मैं बना पाऊँगा। और अभी स्पेशली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अभी थोड़ी डाइट से थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इसकी, विच इज़ बींग अ लिटल ऑकवर्ड फॉर मी, टफ फॉर मी, नॉट ऑकवर्ड, बट ठीक है, इट हैपन्स, इट इज़ फॉर गुड, सो स्टे होम। एंड दिस गाय, ये दो तीन दिनों से वॉमिट कर रहा है, आई डोंट नो वाई, मुझे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऑल्दो इसका एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ही इज़ प्लेइंग अ लॉट, जैसा कि आपने देखा ही होगा जब मैं इसको ब्रश कर रहा था, और एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, इसकी फीडिंग, इसकी डाइट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, बट ही इज़ जस्ट वॉमिटिंग, आई डोंट नो वाई। तो आई हैव कंसल्टेड मैनी वेट्स, उसके बाद में आई केम टू द कंक्लूजन कि इसको डाइजेशन प्रॉब्लम है। एंड लुक एट द वे ही सिट्स मैन, ही बिहेव लाइक अ हीरो और समथिंग, एंड ही इज़ फीलिंग ऑकवर्ड कि मैं ऐसे बैठ के क्यों कैमरा इसकी तरफ करके बातें कर रहा हूँ। बट एनी वे, तो आई हैव टू गिव हिम सम ड्रॉप्स, दीज आर ऑनडन सिट्रॉन, बच्चों को देते हैं ये, इट इज़ फॉर द डाइजेशन। तो अभी ये आई हैव टू गिव इट टू हिम, और विच इज़ गोना बी अ वेरी वेरी बिग, वेरी बिग प्रॉब्लम आई कैन से, क्योंकि मैं किसी को भी दवाइयाँ दे सकता हूँ, पर बिल्लियों को दवाई देना बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। आई गेस आई एम जस्ट गोना यूज़ अ ड्रॉपर जो कि इसके साथ ही आया था, सो लेट्स जस्ट ओपन दिस और इसकी वाट लगाते हैं। आई जस्ट हैव टू गिव हिम सम ड्रॉप्स, तो मैं बहुत थोड़ा सा ही लूँगा। अब आता है सबसे ज़्यादा टफ पार्ट, आई हैव टू डू इट ऑब्वियसली, क्योंकि इसको सही करना है मुझे। आई वॉन्ट हिम नॉट टू वॉमिट, ओके, नाउ आई हैव टू कैच हिम। He is very upset right now. मैंने इसको बस किस तरीके दबोचा हुआ है और ये अपनी सारी मेडिसिन निकालने की कोशिश करे जा रहा है, आई डोंट नो वाई, इसको बहुत ज़्यादा नफरत है। ऑल द ड्रॉपर से काम हो नहीं पाया, तो इस वजह से आई हैव यूज्ड दिस सिरिंज, आई हैव यूज्ड दिस सिरिंज, और बहुत मुश्किल से आई हैव कंट्रोल्ड हिम, और यू कैन एक्चुअली सी इस सिरिंज की ऐसी की तैसी भी कर दी है इसने, ही हैज़ डिस्ट्रॉयड दिस सिरिंज। कैट्स को दवाई देना बहुत बड़ी बात होती है ना, तो अभी मैं उसको थोड़ा सा ब्राइब करूँगा, थोड़ी रिश्वत दूँगा,
थोड़ी सी फिश के साथ. तो या लेट्स गो एंड सी हाउ ही रिएक्ट. सो फाइनली यू कैन सी ही हैज फोर्स्ड ऑल द सलाइवा ताकि इसके मुंह से बाहर निकल जाए. एंड नाउ ही इज लुकिंग फॉर सम फिश. और पूरा मुंह गंदा किया हुआ है. दैट्स ओके, मैं इसको थोड़े टाइम बाद साफ कर दूंगा. नाउ ही इज आस्किंग फॉर सम फिश. चलो आई एम डन फॉर टुडे. और इसको अभी थोड़ी सी फिश देते हैं, देन वी विल सी. सो डॉक्टर ने मुझे बोला है दिन में दो बार देने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ पर. आई एम गोना मेक वीडियोस. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द पीपल. बाहर कम से कम निकलिए एंड जस्ट बी सेफ. डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड. दैट्स इट.